एजेकेल 25 अमोन के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अमोनियों की ओर मुंह करके उसके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कह, हे अमोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय में जब वह अपवित्र किया गया और इज़राइल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आह आह कहा। इस कारण देखो, मैं तुझको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूँ और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे। वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पियेंगे। मैं रब्बा नगर को ऊँटों के रहने और अमोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुमने जो इज़राइल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन के अभिमान से आनंदित किया, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। मोआब के विरुद्ध भविष्यवाणी। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मोआब और सेर जो कहते हैं, देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है, इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरों को बत्सी में मौत, बाल मौत और किरियातेम जो उस देश को शिरोमणि है, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्व देश के लोगों के वश में कर दूंगा कि वे अमोनियों पर चढ़ाई करें। और मैं अमोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका फिर समण न रहेगा। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। एदोम के विरुद्ध भविष्यवाणी। परमेश्वर यहोवा यूं भी कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एदोम देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर दतान तक उसको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे। मैं अपनी प्रजा इज़राइल के द्वारा एदोम से अपना बदला लूंगा और वे उस देश में मेरे कोप और जलजलाहट के अनुसार काम करेंगे, तब वे मेरा पलटा लेना जान लेंगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फलिस्तियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि फलिस्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं फलिस्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और क्रेतियों को मिटा डालूंगा और समुन्द्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।